नमस्कार, एमपीलाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने समस्त धर्मगुरुओं के साथ प्रदेश में कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सभी धर्मगुरुओं से अपने अपने अनुयायियों को लॉकडाउन का पालन करने और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सहायता कोष के लिए रामदेव सुगर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्री विवेक माहेश्वरी ने कोरोना से बचाव कार्यों में सहयोग स्वरूप 11 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने श्री माहेश्वरी का आभार व्यक्त करते हुए समाज के अन्य लोगों से भी आग्रह किया है कि इस महामारी से लड़ने में हर संभव सहयोग प्रदान करें। आबकारी आयुक्त श्री राजेश बहुगुणा ने प्रदेश की सभी डिस्टिलरीज को सैनिटाइजर की बोतलों में विक्रय मूल्य अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपेक्षा की है कि प्रदेश में कोरोना वायरस इस राष्ट्रीय आपदा के मद्देनजर 180 ml की 50 बोतलों की पेटी की शासकीय आपूर्ति के लिए जीएसटी सहित कीमत 1800 रुपए और गैर शासकीय आपूर्ति विक्रय के लिए अधिकतम 2100 रुपए से अधिक नहीं रखें। श्री बहुगुणा ने कहा है कि 180 ml की प्रत्येक बोतल में एमआरपी जीएसटी सहित 60 रुपए से अधिक और 90 ml की बोतल में 30 रुपए से अधिक अंकित नहीं करें। इससे विक्रेता को राष्ट्रीय आपदा के समय अनुचित लाभ लेने से रोका जा सकेगा। राज्य शासन ने निर्देश दिए हैं कि ईमेल, ई ऑफिस और एनआईसी से जारी आदेश, पत्राचार स्वीकृति और पत्राचार को मान्य किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक समस्त कार्यालय 14 अप्रैल तक लॉकडाउन होने के कारण 15 अप्रैल 2020 तक सक्षम अधिकारी द्वारा ऑफिशियल ईमेल, ई ऑफिस, एनआईसी से जारी आदेश, पत्राचार स्वीकृति को भौतिक आदेश, स्वीकृति पत्राचार के समान मान्य होंगे। कोविड 19 से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में सभी बालगृहों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में साबुन, सैनिटाइजर और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। विभागीय टीम लगातार सभी बालगृहों का निरीक्षण कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।